माइक्रोवेव रडार इंजीनियरिंग जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें बेसिकली इससे पहले के लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट की माइक्रोवेव डिवाइसेस के अंदर रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन तक की स्टडी कर ली है। उसके आगे का टॉपिक है मैग्नेट्रॉन। तो आज हम जो माइक्रोवेव डिवाइसेस में पढ़ रहे हैं वो मैग्नेट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट्रॉन बेसिकली, इसको पढ़ने से पहले हमने पढ़ लिया है कि टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर। तो मैग्नेट्रॉन भी बेसिकली माइक्रोवेव का एक सोर्स ही है, ये एक ऑसिलेटर है और इसमें 3 टाइप होते हैं, लेकिन इसमें मेन टाइप जो है वो कैविटी मैग्नेट्रॉन का ही है। इसको ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन भी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कैविटी मैग्नेट्रॉन इज ए हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर, मतलब जो आपका मैग्नेट्रॉन होता है बेसिकली वो भी हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन इसमें मेनली कैविटी मैग्नेट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो कैविटी मैग्नेट्रॉन एक हाई पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है और इसकी इन्वेंशन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में रेंडाल एंड बूट के द्वारा की गई थी, इन्वेंटेड बाय रेंडाल एंड बूट इन ग्रेट ब्रिटेन। यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन का यूज करता है, मतलब बेसिकली जो इसका प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंट्रैक्शन का प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रॉन बीम पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड रूप में कैसे काम करते हैं। इट जनरेट्स वेरी हाई पावर इन हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये किलोवाट, हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट में माइक्रोवेव पावर जनरेट करता है और यह एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है। इसको अभी जब हम इसमें कंस्ट्रक्शन समझेंगे तब इसमें देखेंगे कि ये क्रॉस फील्ड डिवाइस क्यों कहलाता है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये फिगर 2.7 होल एंड स्लॉट मैग्नेट्रॉन है। ये राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है, एशियन पब्लिकेशन की। इस बुक को आप परचेज भी कर सकते हैं और इसमें जो है बेसिकली बेसिक कंस्ट्रक्शन जो है उसका फिगर लिया गया है और इसको अदर बुक से भी देख सकते हैं। जैसे इसकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है सैमुअल वाई लियाओ माइक्रोवेव डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उससे भी देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट दिए गए, एक तो बेसिक कंस्ट्रक्शन, एक इसका क्रॉस सेक्शन व्यू। तो पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसी के हिसाब से आप एग्जाम में पॉइंट्स भी लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होता है। एक सिलेंड्रिकल कैथोड है और उसके ही पैडल में मैग्नेटिक फील्ड बी नोट लगाया गया है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए इसको बोलते हैं। डीसी मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है और जो सिलेंड्रिकल कैथोड है उसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल एनोड होता है, उसमें मल्टीपल कैविटीज़ हैं जिनमें गैप हैं और इसमें बेसिकली 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन का डायग्राम बना हुआ है क्योंकि इसमें 8 एनोड कैविटीज़ हैं, 8 एनोड कैविटीज़ हैं और इसमें कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं और एनोड पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाता है। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि जो एनोड है उस पर प्लस है, कैथोड पर माइनस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एनोड से कैथोड की ओर होगी, रेडियल होगा बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। आउटपुट जो लिया जाएगा किसी एक कैविटी से लिया जाएगा वो किसी बेसिकली कपलिंग डिवाइस जो आपकी वेवगाइड है या कोएक्सियल लाइन उसके थ्रू लिया जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण ही इसको क्रॉस फील्ड डिवाइस कहा जाता है। मतलब जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस फील्ड डिवाइस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसको क्रॉस फील्ड डिवाइस कहते हैं। ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। यदि इसकी क्रॉस सेक्शन व्यू को देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग एनोड कैविटीज एनोड के अंदर और एनोड होल्स और गैप्स हैं एनोड के। किसी एक कैविटी से आउटपुट लिया गया है और कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है उसे इंटरेक्शन स्पेस कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम पर या इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ पर या इलेक्ट्रॉन के पाथ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड रूप में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑसिलेशंस कैसे काम करते हैं। मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और ऑसिलेशंस, वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को कैसे चेंज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन का पाथ जो इंटरेक्शन स्पेस में कैसा होता है वो हम इसकी वर्किंग में देखेंगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। तो कैविटी मैग्नेट्रॉन में एक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है, हमने देख लिया है। जो पॉइंट्स हमने बताए थे वही इसमें लिखे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, कैसे आपको लिखना है। कैविटी मैग्नेट्रॉन में एक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है तथा उसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी एनोड होता है। आपको जो फिगर दिखाया गया वो 8 कैविटी एनोड का दिखाया गया है। कैथोड व एनोड के मध्य इंटरेक्शन स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है कैसे ट्रेवल करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेशंस।
इसमें एक रेडियल डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कैथोड और एनोड के बीच में बैटरी लगाने की वजह से है, और एक एक्सियल डीसी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो पैरेलल है सिलेंड्रिकल कैथोड के, इसलिए उसको बेसिकली सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग है, इसलिए उसको एक्सियल डीसी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या होने के कारण इस डिवाइस को क्रॉस फील्ड डिवाइस भी कहते हैं। आउटपुट किसी एक कैविटी से प्राप्त की जाती है यूजिंग कोएक्सियल लाइन और वेवगाइड। वेवगाइड आप अगली यूनिट में पढ़ेंगे क्या होती है वेवगाइड, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसकी जो फील्ड की बात कर रहे हैं, दो तरह के फील्ड हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसके इलेक्ट्रॉन के पाथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखेंगे। विदाउट ऑसिलेशन मतलब जब तक आउटपुट नहीं आया, कोई ऑसिलेशन नहीं है, तो वो उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रभाव डालते हैं इलेक्ट्रॉन के पाथ पर। जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव पर पहुंचेंगे, वो यदि मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उस केस में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ऑसिलेशन होंगे तब कैसे रिएक्ट करेंगे, उसको हमें समझना है, वही हमारी वर्किंग है। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ऑसिलेशंस नहीं है, कोई आउटपुट नहीं आया, तो उस केस में मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है केवल, तो उनका इलेक्ट्रॉन के पाथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने के लिए आपको जो आपने प्रीवियस क्लासेस जैसे ट्वेल्थ में या आपकी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या चार्ज पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इनडायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके फॉर्मूला और सब बेसिक आप एक बार इस क्लास में भी आपको एक बार बेसिक बता दिया जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो उसी की वर्किंग हमें देखनी है कि कैसे इलेक्ट्रॉन पास इन मैग्नेट्रॉन विदाउट ऑसिलेशन शोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यदि बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हमने डायग्राम जो लिया है वो सेक्शन ऑफ एनोड में लिया है, और ये कैथोड है, और इसमें चार इलेक्ट्रॉन है ए बी सी डी, उन पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा। चारों केस में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो वो कैसे होगा। ए डायरेक्ट कैथोड से एनोड पे जा रहा है, बी थोड़ा बेंट होके जा रहा है, सी केवल टच करके वापस आ जा रहा है, डी जो है एनोड पर जा ही नहीं रहा है, डायरेक्ट वो कैथोड पर वापस आ जा रहा है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज के कारण है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज़्यादा है वो हम इसमें देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उस पर क्या फोर्स लगता है, वो आपने पहले भी पढ़ा है, जस्ट एक रिविजन है। तो आप एग्जाम में आएगा तो उसको थोड़ा बहुत कम करके भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मार्क्स के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में बताया ताकि आपको कोई पॉइंट छूटे ना, उसको आपको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स पाथ। ठीक है, तो यदि केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, और उस चार्ज की जो चार्ज पार्टिकल है या पार्टिकल उस पर चार्ज क्यू है तो उस पर फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को वी क्रॉस बी से लिखा जाता है। यदि कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा है तब उस पर लगने वाला फोर्स एफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू वी साइन थीटा होगा, और थीटा 90 डिग्री है तो क्यू वी बी के इक्वल होगा। मतलब चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में F बराबर क्यू वी बी होगा। यदि B कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पर, तो F डिपेंड्स ऑन V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो फोर्स है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर है नहीं, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उत्पन्न फोर्स है और उसी के कारण वह इलेक्ट्रॉन के पाथ की त्रिज्या या कर्वेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, कौन से पाथ से जाएगा, उसकी जो कर्वेचर है उसकी रेडियस क्या होगी या कितना कर्व उसमें होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर निर्भर करेगा। ठीक है, ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा फोर्स होगा, कम स्पीड है तो कम फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि केवल प्रेजेंट है तो उस केस में फोर्स लगता है बराबर क्यू इंटू ई।
रेडियली आउटवर्ड होगा, कैथोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर कैथोड से एनोड की तरफ फोर्स लगेगा, कैथोड उसको अपनी तरफ से भगाएगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एक्सलेट होकर कैथोड से एनोड को चला जाएगा। एग्जाम्पल इसमें इलेक्ट्रॉन ए का है, जो इलेक्ट्रॉन ए है वो डायरेक्ट तब जा रहा है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो कैथोड से एनोड पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, मतलब अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड था केवल, तो इलेक्ट्रॉन ए है वो डायरेक्ट कैथोड से एनोड पर चला गया। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड भी आता है तो क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हम देखा कि वो थोड़ा सा बेंड कर देगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल भी लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर कंबाइंड फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का पाथ बेंड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बी उसका एग्जांपल है, ठीक है। बेंड होने का भी कारण मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, वो डिसाइड होगा उसकी डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी, ठीक है। और आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। वेलोसिटी जो है आपकी, वो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल तो रेडियल थी, और जो फोर्स है वो आपका डिसाइड होगा वी और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द पेज, ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में है, तो आपका फोर्स जो लगेगा उसके जो है उसके इफेक्ट के कारण जो फोर्स होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंड हो जाएगा। उसका एग्जांपल बी इलेक्ट्रॉन है। इसकी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको नहीं करनी है, वो सब आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी कि कैसे फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वैल्यू कितनी होगी, फिर उसको कंबाइन करने के तरीके सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। यदि बी वेक्टर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेंडिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन सी है, इलेक्ट्रॉन सी में बेंडिंग बढ़ गई है, वो जस्ट आपको और ज़्यादा बेंड होके क्रॉस पे करके केवल टच करके आएगा एनोड को, जब बी जो है उसकी कट ऑफ वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अभी कट ऑफ वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन सी एनोड को केवल स्पर्श करते हुए वापस कैथोड की ओर लौट गया है, तो ये बी की वैल्यू बढ़ाने के पर हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक बी की वैल्यू पैसे होगा, बी की पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जिस पैसा होगा उसको कट ऑफ वैल्यू कहते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में लिखना है कट ऑफ वैल्यू क्या होती है, तो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वह मिनिमम मान जिसके कारण मैग्नेट्रॉन कैविटी में, बेसिकली कैविटी मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड को केवल स्पर्श करके वापस कैथोड पर लौट जाए, कट ऑफ फील्ड कहलाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कट ऑफ वैल्यू कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो बहुत जल्दी ही वापस कैथोड पर आ जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सी तो केवल टच करके आया है, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक फील्ड कट ऑफ वैल्यू के इक्वल है, कट ऑफ वैल्यू ज़्यादा है तो वो केवल उसमें का अंतर क्या आएगा, वो कैथोड पर आएगा लेकिन जल्दी आ जाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कट ऑफ वैल्यू से ज़्यादा और ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ और ज़्यादा बेंड हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन डी के केस में है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से कैथोड पर पहुँचेंगे तथा रीमिट हो जाएंगे, उसके बाद द्वारा से उसमें से कैथोड से निकलेंगे। अब वो डिस्कशन इज एप्लीकेबल व्हेन आरएफ फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, मतलब अभी तक इसमें आउटपुट नहीं आया, कोई ऑसिलेशन नहीं है, तब ये डिस्कशन है। यदि आरएफ भी प्रेजेंट है तो उस केस में कैसे ऑसिलेशन मेंटेन रहेंगे हम देखेंगे। मान के चलेंगे कि आरएफ है, एज्यूम है, ठीक है। ऑसिलेशन की वर्किंग में हम नॉर्मली यही देखते हैं कि उसमें पहले से कोई ना कोई आउटपुट रहता है, तब उसको फीडबैक लेके या उसको उसकी प्रेजेंस में कैसे वो ऑसिलेशन मेंटेन रहते हैं, यही नॉर्मली हम ऑसिलेटर के वर्किंग में देखते हैं। तो यहाँ भी यही है कि वर्किंग या ऑपरेशन में क्या देख रहे हैं कि आरएफ फील्ड जब प्रेजेंट है तो उस केस में देखेंगे, माना कि ऑसिलेशंस उत्पन्न हो गए हैं या आरएफ फील्ड प्रेजेंट है, तो अब देखेंगे, देखना ये है कि ऑसिलेशन सस्टेन या मेंटेन कैसे रहते हैं। अब यह देखेंगे कि ऑसिलेशन सस्टेन या मेंटेन कैसे रहते हैं, तो पाई मोड ऑसिलेशंस की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें पाई मोड ऑसिलेशंस होते क्या, ये आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि उसमें कितनी कैविटी के लिए बात कर रहे हैं, बेसिकली इसे पाई मोड कैविटी क्यों कह रहे हैं, ठीक है, पाई मोड ऑसिलेशंस क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली हम लोग 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन की एडजेसेंट कैविटीज़ के मध्य 180 डिग्री का फेस शिफ्ट रखा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन है, 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन की जो
एक दूसरे के आसपास की कैविटीज़ हैं, एडजेसेंट कैविटीज़ हैं, कोई भी दो ले लीजिए, हर एक दो के बीच में एक्स्ट्रा सी डिग्री का फेज शिफ्ट रखा जाता है, जो एडजेसेंट कैविटीज़ हैं एक दूसरे से लगी हुई, इसको पाई मोड कहा जाता है बेसिकली। तो इसको कैसे देख सकते हैं, छोटा सा हल्का सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, वो आपके सिलेबस में चाहो तो उसको, आपको जरूरी नहीं कि आपको पूछा जाए, लेकिन आप एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए हमें पता है कि बारखाउजन क्राइटेरिया क्या कहता है, कि जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के इक्वल होना चाहिए, जहाँ n क्या है इंटीजर, मतलब 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। तो यदि दो एडजेसेंट कैविटी के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, फाई क्या है एडजेसेंट कैविटीज के मध्य फेज शिफ्ट है, और n क्या है नंबर ऑफ कैविटीज है, n कैविटीज का फेज शिफ्ट टोटल कितना होगा n फाई, तो दो कैविटी के बीच का कितना है फाई, एडजेसेंट कैविटी के बीच का टोटल नंबर ऑफ कैविटी कितनी है कैपिटल n, तो कैपिटल n इंटू फाई क्या होगा n कैविटीज का फेज शिफ्ट, और ये कितने के इक्वल होना चाहिए पूरे गोल चक्कर का, 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल, n क्या है इंटीजर है तो 2 पाई इंटू n, इसको देखेंगे तो फाई की वैल्यू आएगी 2 पाई n अपॉन कैपिटल n, n यहाँ पर 8 है क्योंकि नंबर ऑफ कैविटीज 8 हैं, तो फाई आएगा 2 पाई अपॉन 8 मतलब पाई अपॉन 4 इंटू स्मॉल n, यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट रिस्पॉन्स n बराबर 4 पर आता है प्रैक्टिकली देखा गया है, तो फाई की वैल्यू आएगी पाई, और इसको कहते हैं पाई मोड ऑसिलेशंस, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए दो एडजेसेंट कैविटीज के बीच का फेज डिफरेंस पाई रखा जाता है। अब बात करते हैं कि ऑसिलेशन सस्टेन कैसे रहेंगे, ठीक है। तो एक बार उत्पन्न तो हो गई है आर एफ ऑसिलेशन, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। जब मैग्नेट्रॉन में आर एफ ऑसिलेशन उत्पन्न होते हैं तो यह इंटरेक्शन स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाथ को चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। जो ऑसिलेशन हैं वो भी एक तरह से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका भी तो एक फील्ड होगा, तो वो भी एक फोर्स क्रिएट करेंगे उस पर, तो तीन कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, एक आर एफ ऑसिलेशन, ठीक है, आर एफ फील्ड, तो ये भी इंटरेक्शन स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाथ को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइंड इफेक्ट की वजह से मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन आरएफ फील्ड को एनर्जी देने में सक्षम होते हैं वो फेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली, वो एक तो जो आरएफ फील्ड को एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है, अपने आप रिटार्ड होकर इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी एनर्जी देने सक्षम होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड और एनोड के मध्य मतलब इंटरेक्शन स्पेस में कुछ ज़्यादा समय तक रहते हैं और आरएफ फील्ड को एनर्जी देते रहते हैं। इसके विपरीत दूसरे तरह के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अनफेवरेबल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वो, जो आरएफ फील्ड से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, जिन जो बेसिकली एक्सलेट होते हैं, ठीक है, एक या दो इंटरेक्शन के बाद ही कैथोड पर वापस पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आरएफ फील्ड को एनर्जी देने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तथा फील्ड को एनर्जी प्राप्त होती रहती है, तो आरएफ फील्ड से ली जाने वाली एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, आरएफ फील्ड को दी जाने वाली एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑसिलेशन सस्टेन होते हैं, अतः आरएफ ऑसिलेशन मेंटेन रहते हैं। बंचिंग इसमें भी होती है, लेकिन इसको फेज फोकसिंग इफेक्ट कह सकते हैं, तो बेसिकली मैग्नेट्रॉन में फेज फोकसिंग इफेक्ट की सहायता से बंचिंग हो जाती है, और यह बंचिंग फील्ड की स्पीड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जो क्लॉकवाइज है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेक्शन स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब एक तो जो आपके बंचिज हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम के बंचिज हैं, इसमें भी होती है, उसको फेज फोकसिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, या फेज फोकसिंग इफेक्ट की सहायता से होती है ऐसा कहा जाता है। ये बंचिज जो हैं एक स्पीड से मूव करेंगे और वो जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटरेक्शन स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं जिससे माइक्रोवेव एनर्जी प्राप्त होती रहती है। अब इसके में दो टॉपिक और आपके सिलेबस में है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। ये शॉर्ट में आपको बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज़ टू 15 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ड्यूटी साइकिल 0.1%, एफिशिएंसी 40-75% काफ़ी है, पावर आउटपुट पल्स मोड के लिए 230 किलोवाट से ज़्यादा 230 किलोवाट से ज़्यादा, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 10 मिलीवोल्ट, एक्स बैंड के लिए 2 मिलीवोल्ट, ठीक है। एप्लीकेशन आपको सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है मैग्नेट्रॉन की, ये माइक्रोवेव ऑसिलेटर है बेसिकली, माइक्रोवेव जनरेट करता है और आपके घर में यूज होता है माइक्रोवेव ओवन में। जैसे पहले भी मैंने क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, तो उसमें आपको बताया था माइक्रोवेव ओवन आपने सबने देखा होगा। तो माइक्रोवेव ओवन बेसिकली क्या करते हैं, खाना पकाने में या फिर कोई चीज़ आपको गर्म करनी है उसमें यूज करते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में। तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें मैग्नेट्रॉन की एप्लीकेशन है, इसमें बेसिकली कंटिन्यूस वेव फिक्स फ्रिक्वेंसी मैग्नेट्रॉन को यूज़ करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल हीटिंग में और माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, पल्स रडार में यूज करते हैं, रडार आप ये आने वाले यूनिट्स में आप पढ़ेंगे,
और मिसाइल एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, टेलीमेट्री में भी इसकी एप्लीकेशन होती है। मिसाइल एप्लीकेशन में, टेलीमेट्री में, पल्स रडार में, माइक्रोवेव ओवन में इसकी एप्लीकेशन होती है। तो आज हमने देखा कि मैग्नेट्रॉन एक ऑसिलेटर है, उसमें कैविटी मैग्नेट्रॉन या ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन की हमने इसमें स्टडी की है, उसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फाइनली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन के बारे में स्टडी किया है। थैंक यू।